हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MA 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के टॉपिक में से ये एक न्यूमेरिकल लेंगे, जिसमें हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, जहां पर पॉइंट लोड भी है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी है। दोनों लोड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, पॉइंट लोड एज वेल एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें हमने ये क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर हमारे सामने एक बीम है ए बी, इसके ऊपर 5 टन का और 10 टन का एक पॉइंट लोड लग रहा है, जबकि 2 टन पर मीटर का एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। 5 टन और ए पॉइंट के बीच की दूरी 2 मीटर है। इसके बाद जो ये 2 टन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये 2 मीटर तक लगा हुआ है, जबकि जो 10 टन वाला पॉइंट लोड है, इसकी दूरी ए पॉइंट से 2+2+2 यानी कि 6 मीटर है। तो इस तरीके से ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर UDL भी है और पॉइंट लोड भी है। UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और जब ये लोड ऊपर से लगेंगे तो जो रिएक्शन डेवलप होंगी वो 2 पॉइंट पे होंगी, ए और बी पे, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो जो सपोर्ट प्रेजेंट है वो एक सपोर्ट तो ए पर प्रेजेंट है और दूसरा सपोर्ट बी पर प्रेजेंट है, तो इसमें 2 रिएक्शन डेवलप होंगी, एक तो ए पॉइंट पे जिसको हम RA से दिखा रहे हैं, और जो दूसरी रिएक्शन है वो RB है जो बी पॉइंट पे डेवलप होगी। तो रिएक्शन को कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास जो 2 कंडीशंस हैं रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, वो पहली कंडीशन है कि समेशन ऑफ फोर्स शुड बी 0 ऑन द बीम इफ़ बीम इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बीम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसके ऊपर जो भी वर्टिकल फोर्सेस हैं वो सारे 0 होंगे, उनका जो नेट है वो 0 होगा, यानी कि वो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हम देख रहे हैं कि बीम के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, केवल रिएक्शन डेवलप हो रही हैं ए और बी पॉइंट पे, और पॉइंट लोड लग रहे हैं 5 टन और 10 टन का, और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 2 टन पर मीटर का। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उस वो है कि समेशन ऑफ फोर्स शुड बी 0। तो यहाँ पर RA और RB ये जो रिएक्शन है ये ऊपर की तरफ लग रही हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इसको हम इक्वल टू करेंगे जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा 5 टन का हो गया, इसके बाद जो दूसरा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और इसकी जो दूरी है वो 2 मीटर है, 2 × 2 इसका टोटल मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि ये 2 टन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और 2 मीटर तक लग रहा है, तो टोटल मैग्नीट्यूड इसका हो गया 2 × 2 यानी कि 4, और प्लस 10 एक पॉइंट लोड है हमारे पास, तो RA प्लस RB हमारा हो गया 5 + 4 + 10, तो RA प्लस RB हमारा 19 हो गया। 19 इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो मूवमेंट है बीम के ऊपर वो 0 होने चाहिए, और हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि जो बीम है हमारी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जो मूवमेंट का नेट मूवमेंट जो नेट मूवमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो जितने भी फोर्स हैं उन सबका मूवमेंट मैं कैलकुलेट करूँगा, और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो मैं ए के अबाउट कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले RA रिएक्शन है, RA रिएक्शन का मूवमेंट जो है वो RA × 0 होगा, क्योंकि इसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 0 है, तो RA × 0 RA का मूवमेंट हो गया। इसके बाद जो RB है, RB की जो दूरी है ए पॉइंट से वो 2+2+2+2 यानी कि 8 मीटर है, तो 8 × RB RB रिएक्शन का मूवमेंट हो गया। इसके बाद मेरा जो फर्स्ट पॉइंट लोड है उसका जो मूवमेंट होगा वो 5 × 2 होगा, क्योंकि इसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 2 मीटर है। इसके बाद मैं जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है इसका जो मूवमेंट है वो कैलकुलेट करूँगा,
तो सबसे पहले इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 × 2 होगा, क्योंकि ये कितनी दूरी तक लग रहा है, 2 मीटर तक लग रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंटेंसिटी इंटू इसकी दूरी, कितनी दूरी तक है, तो 2 × 2। इसके बाद हम इसके सेंटर तक जाएंगे, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है इसके सेंटर कितनी दूर है ए पॉइंट से, तो सी तक आऊँगा मैं तो 2 मीटर है, फिर उसके बाद डी तक आऊँगा तो फिर 2 मीटर है, और फिर डी और ई के बीच का हमको सेंटर लेना है, तो डी और ई के बीच की दूरी मेरी 2 मीटर है, तो 2/2 कर दूंगा तो डी और ई के बीच के सेंटर तक मैं पहुंच जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने 2 + 2 + 2/2 कर रखा है। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट कैलकुलेट होगा, फिर प्लस लास्ट जो पॉइंट लोड है हमारा 10 टन का, वो 10 × इसकी दूरी जो है वो 6 है, तो 10 × 6 इस वाले पॉइंट लोड का मूवमेंट हो गया, तो 8 RB हो गया, क्योंकि RA 0 है तो वो टोटल 0 हो गया, 10 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, प्लस 2 × 2 = 4, प्लस 2 + 2 + 1, तो ये 4 × 5 हो गया, प्लस 10 × 6 = 60, तो 8 RB बराबर 10 + 20 + 60, तो यानी कि 8 RB बराबर 90, तो RB बराबर 90/8 यानी कि 11.25 टन मेरा रिएक्शन आया है बी पॉइंट पे, जो रिएक्शन डेवलप हुआ है बी पॉइंट पे आरबी वो है 11.25 टन का। अब ये जो मेरी आरबी की वैल्यू आई है इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा, तो आरए प्लस 11.25 बराबर 19, तो आरए बराबर हो जाएगा 19 - 11.25 यानी कि आरए बराबर 7.75 टन्स। तो इस तरीके से जब दो लोड साथ में दे रखे हों, पॉइंट लोड भी हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो, तो उस केस में हम रिएक्शन की गणना कैसे करेंगे, तो ये हमने देखा। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर जो ये बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें ए और बी के बीच की दूरी 1.5 मीटर है, बी और सी के बीच की दूरी 1.5 मीटर है, सी और डी के बीच की दूरी 1.5 मीटर है, और डी और ई के बीच की दूरी भी 1.5 मीटर है। ए बी पे एक ए से लेके बी तक एक यूडीएल लग रहा है 2 टन/मीटर का, और बी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 2 टन का। उसी तरीके से सी और डी जो पॉइंट हैं इन पे सी और ई के बीच में मेरा यूडीएल लग रहा है पूरा, और डी पॉइंट पे मेरा 5 टन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। जो हमारी पहली कंडीशन है कि समेशन ऑफ फोर्स शुड बी ज़ीरो, तो यहाँ पर जितने भी फोर्स हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही हैं, तो आर ए प्लस आर बी आर ई मेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर ई पे जो डेवलप होगी रिएक्शन उसको मैं आर ई से दिखा रहा हूँ, जो ए पॉइंट पे डेवलप होगी उसको आर ए से दिखा रहा हूँ, तो आर ए प्लस आर ई बराबर 2 × 1.5, क्योंकि 2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और उसकी जो दूरी है वो 1.5 मीटर की है, तो 2 × 1.5, उसके बाद 2 टन का मेरा पॉइंट लोड है तो प्लस 2, उसके बाद 2 × 1.5 + 1.5 यानी कि 3, तो 2 × 3 मीटर की दूरी तक लग रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो 2 × 3 और 5 मेरा एक पॉइंट लोड है तो प्लस 5, तो आर ए प्लस आर ई मेरा आ गया 3 + 2 + 6 + 5 यानी कि आर ए प्लस आर ई बराबर 16, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो मेरी सेकंड कंडीशन है कि जो मूवमेंट है वो नेट मूवमेंट जो होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर दोबारा मैं पॉइंट ए के अबाउट ही मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करूँगा, तो आर ए इंटू ज़ीरो यानी कि जो रिएक्शन आर ए है उसका जो मूवमेंट उसकी जो दूरी है खुद से ही वो ज़ीरो है, तो आर ए इंटू ज़ीरो उसका मूवमेंट हो गया, फिर प्लस जो आर ई जो रिएक्शन डेवलप हो रही है ई पॉइंट पे उसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 यानी कि 6 है, तो 6 × RE इसको मैं इक्वल टू करूँगा जो मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 2 टन/मीटर का, तो 2 × 1.5 × ए और बी का जो सेंटर है वो 1.5/2 पे होगा, तो इसका जो दूरी हो गई वो हो गई 1.5/2, तो ये टोटल जो मूवमेंट हुआ 2 टन/मीटर का यूडीएल का वो हो गया 2 × 1.5 × 1.5/2। उसके बाद मैं पॉइंट लोड पे जाऊंगा 2 टन पे, तो इसकी दूरी जो है वो 1.5 मीटर है, तो इसका जो मूवमेंट हुआ वो हुआ
टू इंटू 1.5। इसके बाद जो तीसरा मेरा UDL है 2 टन पर मीटर का, उसका जो टोटल मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ 2 इंटू 3 इंटू, अब इसका जो सेंटर है C से लेके E तक का वो टोटल दूरी है 3, तो इसका सेंटर होगा 3/2 पे, तो उस तक मैं कैसे जाऊंगा, पहले मैं A से लेके B तक की दूरी लूंगा, फिर B से लेके C तक की दूरी लूंगा, फिर C से लेके D तक की दूरी लूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 + 1.5 + 3/2, और इसका जो मैग्नीट्यूड है UDL का वो हो जाएगा 2 × 3। और उसके बाद मेरा जो लास्ट पॉइंट लोड है वो है 5, तो 5 × 1.5 × 1.5 + 1.5, तो 4.5 उसकी दूरी हो गई A पॉइंट से। तो RA जो है वो 0 हो गया, 6 × RE बचा, फिर इसको हमने कैलकुलेट करा तो ये 3 × 1.5/2 हो गया, ये प्लस 3 आ गया, प्लस 6 × 1.5 + 1.5 + 1.5 हो गया, प्लस ये जो लास्ट वाला है 5 × 4.5, ये 22.5 हो गया। तो 6 RE बराबर हो गया 3 × 0.75 प्लस 3 प्लस 6 × 4.5 प्लस 22.5, तो 6 RE बराबर 2.25 प्लस 3 प्लस 27 प्लस 22.5, तो 6 RE बराबर 54.75, तो 6 RE बराबर 54.75 हो गया, तो RE बराबर हो गया 54.75/2, तो RE बराबर हो गया मेरा 9.125। तो जो रिएक्शन आई E पॉइंट पे RE, वो आई मेरी 9.125 टन। अब जो ये RE है इसकी वैल्यू मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा, तो RA प्लस 9.125 बराबर 16, तो RA मेरा आ जाएगा 16 - 9.125, तो RA हो जाएगा 6.875 टन। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं जब पॉइंट लोड भी हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। थैंक यू।